इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उनका बल्ला इतना बोल रहा है कि वो शतक के नीचे तो बात ही नहीं करते। इंग्लैंड के धाकर बल्लेबाज जो रूट ने लॉर्ड टेस्ट की दूसरी पारी में श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक 34वां टेस्ट शतक जड़ दिया। रूट अब इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एलिस्टर कुक के 33 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शतक लगाने का कारनामा किया था। जो रूट ने टेस्ट में अब सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में सुनील गावस्कर, महेंद्र जयवर्धने, ब्रायन लारा और यूनिस खान की बराबरी कर ली है। अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने की बात करें तो 51 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर का सबसे पहला नाम आता है। उसके बाद 45 शतक जैक कैलिस के नाम है। फिर रिकी पॉन्टिंग ने 41 शतक लगाए हैं। कुमार संगकारा के नाम 38 शतक। राहुल द्रविड़ ने 36 शतक लगाए हैं। जो रूट ने अब 34 शतक जड़ दिए हैं और उनके बाद सुनील गावस्कर के नाम भी 34 शतक हैं। जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 34वां शतक लगाया। इस लिस्ट में रूट 6वें नंबर पर आ गए हैं। जो रूट लॉर्ड्स के मैदान पर एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले ग्राहम गूच और माइकल वॉन के नाम ये रिकॉर्ड था। रूट लॉर्ड्स में इंग्लैंड की तरफ से 20 साल बाद ऐसा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रूट से पहले 2004 में आखिरी बार लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में इंग्लैंड की ओर से शतक जड़ने का बड़ा रिकॉर्ड बना था। लॉर्ड्स में चौथी बार ऐसा बड़ा कारनामा हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक ठोका है। अगर लॉर्ड टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे पहला नाम जॉर्ज हेडली का आता है। उन्होंने पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में 107 रन इंग्लैंड के खिलाफ साल 1939 में बनाया था। उसके बाद ग्राहम गूच ने 333 और 123 रन भारत के खिलाफ 1990 में बनाए थे। माइकल वॉन ने पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में नाबाद 101 रन साल 2004 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। और अब जो रूट ने 143 और 103 रन की पारी खेलकर श्रीलंका के खिलाफ ये रिकॉर्ड बना दिया है। जो रूट जिस अंदाज में खेल रहे हैं ऐसे में वो आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।